हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानप्रिय यूट्यूब चैनल पर। एक बड़ी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तरफ से ये अपडेट आ रही है दोस्तों। ये रिक्वायरमेंट जो निकाल के आई है आप लोगों का, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाल के आई है। तो आप लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से और डिटेल में देखते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें, जिससे आने वाले जितने भी इसी तरह से नोटिफिकेशन सब आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग वेबसाइट पे और डिटेल इसका देखते हैं। मैं जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ये रिक्वायरमेंट जो निकाल के आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आप लोग शॉर्ट में भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उसका लिंक आ जाता है। देखिए मैं सिर्फ अभी फिलहाल इतना ही सर्च करता हूँ, SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उसका एक लिंक आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे पहला वाला लिंक देख लीजिएगा, ये नहीं है। दूसरा वाला लिंक यहाँ पे दिया गया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसी पे हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो उसका होम पेज पे चले आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी उसका होम पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट में देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वायरमेंट का, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला दो नंबर में जो दिखाई दे रहा है, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और एक दिया गया है पर्सनल असिस्टेंट, दोनों के लिए ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है। जिसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और लेकिन आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट जो डाउनलोड होगा वो दोनों ही जगह से हो जाएगा। यहाँ भी क्लिक कीजिएगा तब भी डाउनलोड होगा, यहाँ भी क्लिक कीजिएगा तब भी होगा। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं पर्सनल असिस्टेंट पहला नंबर पे क्लिक करता हूँ तो एक PDF आता है जहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है, देखिए 24/10/2019 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, और एक लिंक दिया जाता है, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया तो दोनों को मेरे को लिए दिया गया है। देखिए दूसरा वाला जो लिंक था उसमें भी क्लिक कीजिएगा तब भी सेम चीज दिखेगा आप लोगों का, यहाँ पे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए और यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट को व्यू करेंगे और देखेंगे इसका डिटेल। मैं जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट व्यू पे क्लिक किया तो देखिए डाउनलोड होकर सामने में आ जाता है, और यहाँ पे उसका PDF दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ये उसका एड्रेस वगैरह भी दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया है। देखिए दो पोस्ट है जैसे मैंने बताया था, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए इसका सैलरी हो जाता है 47,600 से दिया गया है, बेसिक ये दिया गया है, बेसिक पे ये दिया गया है, पहला वाला के लिए 47,600 और दूसरा वाला जो दिया गया है 44,900, इस तरह से सैलरी रेंज आप लोगों का इस पोस्ट के लिए रहेगा। क्वालिफिकेशन जो दिया गया है दोनों के लिए अलग अलग से मेंशन किया गया है, पहला दिया गया है पोस्ट फॉर द सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ये सब होना अनिवार्य है, उसके बाद दूसरा वाला पर्सनल असिस्टेंट के लिए ये होना जरूरी है। तो पहला वाला देखिए डिग्री मांगा गया है, उसके बाद आप लोगों का इंग्लिश टाइपिंग वगैरह दिया गया है, कंप्यूटर ऑपरेशन विथ टाइपिंग आप लोगों का स्पीड दिया गया है, मतलब थोड़ी बहुत आप लोगों को कंप्यूटर का भी नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग के साथ साथ, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसी तरह से पर्सनल असिस्टेंट में आप लोगों देखिए दिया गया है डिग्री यहाँ मांगा गया है, इसमें भी आप लोगों का टाइपिंग वगैरह मेंशन किया गया है इंग्लिश का, उसके बाद नॉलेज आप लोगों का होना चाहिए टाइपिंग का और कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ी बहुत, तो ये आप लोगों का क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। उसके बाद नीचे आइएगा तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड दिया गया है, पहला आप लोगों का रिटन टेस्ट रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा किस तरह से रहेगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। देखिए जनरल इंग्लिश से रहे और रीजनिंग वगैरह दिया गया है, ये सबसे आप लोगों का रहेगा। मैक्सिमम मार्क आप लोगों का 100 एंड मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क आप लोगों का 50 लाना जरूरी है अगर क्वालिफाइंग करना है तो। 1 घंटा 45 मिनट आप लोगों का एग्जाम टाइम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइम, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आप लोगों का रहेगा जिसमें से यहाँ पे मैक्सिमम मार्क 10 है, क्वालिफाइंग आप लोगों का 5 दिया गया है, और नीचे में आप लोगों का फिर शॉर्ट हैंड टाइपिंग वगैरह जो होगा उसमें 7 मिनट का दिया गया है, और इस तरह से सारा सिलेबस को शॉर्ट में ये लोग मेंशन किया हुआ है किस तरह से एग्जाम होगा वो चीज़। ये पहला पोस्ट के लिए, दूसरा पोस्ट के लिए अलग से दिया गया, देखिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए फिर अलग से दिया गया है, इसमें भी आप लोगों का जो भी
रूल रेगुलेशन है एग्जाम होने का वो सब दिया गया है। इंटरव्यू भी इसमें लिया जाएगा जिसमें आप लोगों का 30 मार्क का होगा, 15 आप लोगों का क्वालिफाइंग रहेगा, तो 15 लाना आप लोगों को जरूरी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फी, ये सब आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट जहाँ से मैं इसको डाउनलोड किया हूँ www.sci.gov.in, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है देखिए, एप्लीकेशन फी ₹300 दिया गया है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 150 दिया गया एससी एसटी और डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन ये सब के लिए 150 दिया गया है। क्लोजिंग डेट वगैरह तो मैं पहले भी आप लोगों को दिखा दिया हूँ, फिर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है देखिए 28/9/2019 से आप लोग 24/10 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इच्छुक हैं इस जॉब करने के लिए तो जरूर इसको ये डेट को ध्यान रखते हुए आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। और एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है सब कुछ तो यही इसी वेबसाइट से आएगा, तो आप लोगों को ये वेबसाइट जानना जरूरी है, बीच बीच में आप लोग चेक करते रहिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा जॉब के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।